મહાન અભિનેતા એવા અમિતાભ બચ્ચન નો એક ફેમસ ડાયલોગ છે, કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. એવા જ કચ્છ નો વતની હું કબીર સોયંતર ફર્સ્ટ યર નો સ્ટુડન્ટ છું. મારા વિશે વાત કરું તો હું સામાજિક પ્રવૃત્તિ અને કુદરતી સૌંદર્ય પ્રિય વ્યક્તિ છું. મારા લક્ષ્ય કે સપના વિશે વાત કરું તો સૌ પ્રથમ હું મારી બેચલર ડિગ્રી અને ઇન્ટર્નશીપ આપ સૌના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવા માંગુ છું. આગળ વધતા મારા દેશ અને પરિવારને મદદરૂપ થઈ શકું તેવા ક્ષેત્રમાં આગળ વધીશ. મારા શોખ કે ટેલેન્ટ વિશે વાત કરું તો હું બેડમિન્ટન રમવાનો શોખ ધરાવું છું અને મારા બેડમિન્ટનને મેં મારી કોલેજને રિપ્રેઝેન્ટ પણ કર્યું છે. અને હું કવિતા અને શાયરીઓ લખવાનો પણ શોખ ધરાવું છું. અને જો કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં મને મારી કોલેજને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનો મોકો મળશે તો હું તેમાં પૂર્ણ કાર્ય અને મહેનત અને ખંતથી કાર્ય કરીશ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો પ્રસ્તુત છે કેટલીક સ્વરચિત તો કેટલીક મહાન શાયરો દ્વારા લખેલ શાયરીઓ. પૈસા નહીં હૈ તો યાદ રખના કે જબ તક તેરી જેબ મેં પૈસા હૈ વો પૂછેગી મેરા બાબુ કૈસા હૈ. શ્રીકાંત શેટ્ટી, મી મહારાષ્ટ્રજી આહે. યસ, આઈ એમ ફ્રોમ મહારાષ્ટ્ર. ઇટ ઇઝ અ પ્રિવિલેજ ફોર મી ટુ હેવ ડન માય સ્કૂલિંગ. આઈ લર્ન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ડિસિપ્લિન એન્ડ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. આઈ પ્લે હેન્ડબોલ એન્ડ હેડ હેવ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ રિપ્રેઝેન્ટ માય સ્કૂલ એટ નેશનલ લેવલ. ઇન એડિશન ટુ સ્પોર્ટ્સ, મ્યુઝિક એન્ડ ડાન્સ ઇઝ વોટ ફેસિનેટ્સ મી એન્ડ કીપ્સ મી ઓક્યુપાઈડ ઇન માય ફ્રી ટાઈમ. આઈ લાઈક ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ પીપલ એઝ આઈ થિંક ઈચ વન ઇઝ યુનિક. I learn from people and surroundings around me as it is an excellent way to evolve and learn from your experience. Smile is the best medicine you can have. It gives you strength and to overcome all the challenges. This is what I practice. Keep smiling and the world smiles back to you. Thank you. बहुत अच्छा डांस किया और आपकी हैंड मूवमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे जब आप डांस कर रही थी तब. और आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है. यस सर. तो आपने हैंडबॉल कैसे चूज किया आउट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स? हैंडबॉल इट वाज इन माय स्कूल केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती थी अलग अलग गेम्स खेलने के लिए. और उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम हैंडबॉल खेला और पहले मैं प्लेयर थी. आफ्टर द नेक्स्ट ईयर आई डिसाइडेड कि मुझे गोलकीपर बनना है बिकॉज आई वाज गुड इन दैट. सो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और खेलने में बहुत मजा आता था. दूसरी सारी गेम्स के हिसाब से सोच से तो मतलब करियर बनाना है तो आप स्पोर्ट्स में बना सकती है या फिर क्या आपके मन में विचार है कि नहीं स्पोर्ट्स तो सिर्फ शौकिया होते हैं करियर नहीं बना सकते? करियर नहीं, मैं स्पोर्ट्स में नहीं बनाना चाहती. कंपटीशन है बट आई थिंक कि मुझे पहले एक डिग्री पढ़ाई एजुकेशन इज मस्ट. सो या मैं कर सकती हूँ स्पोर्ट्स में भी बट पढ़ाई मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है. आपकी वीकनेस अगर आपको कोई एक बतानी है तो वो क्या है और आप कैसे उस पर काम कर रही हैं? मेरी वीकनेस मैं कुछ भी प्लान करे बिना कर लेती हूँ और कभी कभी ये सक्सेस के रास्ते पे जाने से मुझे पीछे खींचता है. तो मैं चाहती हूँ
कि अब से मैं प्लान करूं, मैं हर मंथ कुछ ना कुछ ट्राई करती हूं कि इस बार मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करके आगे बढ़ूं। और हाँ, पहले से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है मुझे इस चीज के लिए, डांटती रहती है ना इसीलिए। थैंक यू। सिंस आपकी स्पोर्ट्स में रुचि है, मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक बंदे को एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और एक टीम गेम खेलना चाहिए। आप ऐसा सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि टीम गेम खेलना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि टीम गेम से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, लाइक कैसे सबके साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे को कैसे इनकरेज करना है, और एक दूसरे से नया चीज सीखने मिलता है। सबके अपने अपने वीक पॉइंट होते हैं और कोई स्ट्रांग होता है, तो हम उनके साथ रह के सीख सकते हैं, और एक टीम में रह के सबके साथ मिलजुल के रहना इज द बेस्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। छेला जी रे मारी हाटी पाटण थी पटोरा मोंगलावजो। अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई एम ध्रुव प्रजापति, करंटली पर्स्यूइंग एमएससी फ्रॉम दिस कॉलेज। आई बिलोंग टू पाटण। डांस एंड फुटबॉल आर माय पैशन। डांस इज लाइक एन एस्केप डो फॉर मी। इट हैज ऑलवेज हेल्प मी टू कम अराउंड व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड और लिटिल लो। Football is not just a sport for me, it helps me to teach values like dedication, leadership, team spirit and hope. One of my dream is to lead MG Science to win the football inter-college championship. My strength is my family. The confidence and the commitment I have has been instilled by my dad. He always used to say that every activity you perform will make you evolve and make your personality shine. It helps to add layers to your personality. And I want to end with these two lines. Ki do char khwab hai mere jinhe main aasma se dur chahta hu. Ki do char khwab hai mere jinhe aasma se dur chahta hu. Zindagi bhale gumnaam rahe par main maut mashhoor chahta hu. Thank you everyone. लेकिन दूसरी बार जो गीला है वो दीर्घाई वालों गीला नहीं है, रसोई गीला है। तो उसमें वो गीला शिकवा वाला गीला है, तो उसमें आपको शर्ट नहीं निचोड़ना, ठीक है? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट बाकी सारे वर्ड्स को आपने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। वेरी नाइस। किसने किया था कोरियोग्राफी? मैं खुद से। अरे यार, बहुत अच्छा करते हैं। कितना कर लेते? फुटबॉल भी खेलते हो, डांस भी करते हो? पापा की वजह से। अच्छा, माई पापा इज अ ग्रेट। वेरी नाइस। ओके, तो
ये वैसे आपके जैसे पापा सबको मिले कि जो फुटबॉल भी खेलने थे और डांस भी करने थे. यस सर, ही इज वेरी सपोर्टिव. वेरी नाइस. अच्छा अभी कल सुबह जब आईने में देखो और पता चले कि लड़की बन गए हो, कुछ जादू हो गया, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? पहले तो सर मिरर में देखूंगा कैसा दिखता हूँ. तो कैसे दिखते हो गया ना भाई. हाँ कैसा दिखते हूँ. फिर जैसे मम्मी ने बचपन में साड़ी पहनाई थी वैसे पहन लो. चलिए ये तो एकदम थोड़ा माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था तो उसको लाइट करने के लिए बोला. अभी सवाल सीरियस सवाल ये है कि अगर आप बोरा सर की जगह बैठ जाए तो कौन सी दो चीजें आप करना चाहेंगे? मैं नहीं कह रहा सुधारना चाहेंगे बिगाड़ना चाहेंगे, ठीक है, क्या करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एनजी इज वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज एकेडमिक्स को देखे जाए तो एकेडमिक्स में कुछ सुधार वधार कुछ नहीं करना चाहूंगा. बट स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को मैं और सर कॉलेज के पास अभी ग्राउंड नहीं है तो सर अगर हो पाए तो मैं ग्राउंड कॉलेज को एक देना चाहूंगा ताकि हम कल्चरल एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें. हाँ हमारे टाइम पे वहाँ पे हुआ करता था, हमने सारे टैलेंट वहाँ पे किए, हम तो वहाँ पे क्रिकेट भी बहुत खेले तो हम तो विकेट कीपर होते हैं. वीडियो पड़ी गई यानी. अच्छा तुम्हारा हिसाब है स्पोर्ट्स ए શું એક વસ્તુ એવી શીખવે છે જે બાકી બધા કોઈ પણ પ્રકારના શોખમાંથી નથી મળતી પણ સ્પોર્ટ્સમાંથી પર્ટિક્યુલરલી શીખવા મળે? આઈ થિંક સર પેશન્સ. આપકો ઇતના જલ્દી સક્સેસ નહીં મિલતા ક્યોંકિ ઇન્ડિયા મેં ઓલરેડી બહોત કોમ્પિટિશન હૈ. અગર આપ એક સ્પોર્ટ્સ મેં હો તો નોટ ઓનલી પેશન્સ બટ ઓર બહોત કુછ સીખને મિલતા હૈ કે આપકી પર્સનાલિટીઝ પે લેયર્સ આને લગતા હૈ. આપ કેસે ચલતે હો, રંગ ઢંગ आपका, दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, अगर टीम गेम खेल रहे हो तो आप सबको साथ में लेके कैसे चल रहे हो, टीम को लीड कैसे कर रहे हो, वो सब सीखने मिलता है स्पोर्ट्स. थैंक यू. यस यू आर राइट. बट आई मस्ट टेल यू हमें लोगों को नसीबदार था कि हमें लोगों को हमारा प्रोफेसर्स ने जा रहे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर जा रहा है ત્યારે વી કુડ રિક્વેસ્ટ ધેમ કે સર તમારા વાતમાં એક ગીત સાંભળવું છે. યસ. અને એ સંભળાવતા પણ ખરા પડી મારી મેં સાંભળી ગીતની વાત કરી. ઓકે પેલું પેલું જે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક વાગે છે બંધ કરો ને. હા તો એ સોંગ સંભળાવું છું જે મેં થર્ડ યરમાં ક્લાસરૂમમાં પણ બે ત્રણ વાર ગાયું છે કારણ કે અમુક પ્રોફેસર્સે ટેલેન્ટ ઇવનિંગ પછી એવું કીધું હોય કે આજ પડના નહીં આજ તો ગાનેગા. તો એ સંભળાવી રહ્યો છું. અમારા ટાઈમે જે ફિલ્મ પોપ્યુલર હતી એ હતી સંજય લીલા ભણસાલીની હમ દિલ દે ચુકે સનમ. એન્ડ ધ સોંગ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ કેકે હુ વી લોસ્ટ લાસ્ટ યર બીકોઝ હી વોઝ ધ પ્લેબેક સિંગર ઓફ ધ સોંગ. ભાઈ જેવું છે એવું ચલાવી લેજો. बेजान दिल को बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तड़प तड़प के इस दिल से आग करती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में दाता.
जिस्म मुझे देके मिट्टी का शीशे का दिल क्यों दिया और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत वाह रे वाह तेरी कुदरत वाह रे वाह तेरी कुदरत उस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन कभी फुरकत कभी है मिलन कभी फुरकत है यही क्या वो मोहब्बत वाह रे वाह तेरी कुदरत सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में That was absolutely lovely.